अगर आप सीसीटीवी कैमरा खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपना पर्पस डिफाइन कीजिए। घर के लिए देख रहे हैं, ऑफिस के लिए देख रहे हैं, या फिर शॉप के लिए देख रहे हैं, इनसाइड यूज के लिए देख रहे हैं या फिर आउटसाइड यूज के लिए देख रहे हैं। सिर्फ दिन में कैमरा काम करे ऐसा कैमरा चाहिए या फिर अंधेरे में भी वो काम करे ऐसा कैमरा चाहिए, क्योंकि हर टाइप की नीड के लिए कैमरे अलग अलग होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के कैमराज के बारे में बताऊंगा, उनको खरीदते समय क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए वो बताऊंगा, और मार्केट में अवेलेबल टॉप सीसीटीवी कैमराज आपको दिखाऊंगा विद देयर प्राइस, फीचर्स और उनके बारे में जो लोगों का फीडबैक है वो सारी चीजें भी आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इससे रिलेटेड जो टाइम स्टैम्प है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, तो जो भी सेक्शन आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आपको अच्छे से सारी नॉलेज मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कैमरास की बात करें तो जो नंबर वन टाइप होता है वो होता है डोम कैमरास। यहां पर आप स्क्रीन में इमेज देख सकते हैं, इनकी जो शेप होती है वो डोम साइज की होती है, इसलिए इनका नाम है डोम कैमरास। और इनको इनसाइड यूज के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। इनकी जो बॉडी होती है वो डस्ट रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट नहीं होती, तो इसलिए इनको इनसाइड यूज के लिए प्रेफर किया जाता है। और इनमें 360 डिग्री रोटेशन आपको देखने को मिलती है, प्लस ये एक वाइडर एंगल कवर करते हैं दूसरे किसी भी टाइप के कैमरास के मुकाबले। दूसरे टाइप के जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो होते हैं बुलेट सीसीटीवी कैमरास। यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं, इन टाइप के कैमरास की जो विजिबिलिटी है वो ज्यादा क्लियर होती है और लॉन्ग डिस्टेंस की इमेज भी ये इजिली कैप्चर कर पाते हैं। आउटसाइड यूज इनका ज्यादातर किया जाता है क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डस्ट रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट होती है। तीसरे टाइप के जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो होते हैं सी माउंट सीसीटीवी कैमरास। दिखने में ये बिल्कुल बुलेट सीसीटीवी कैमरास जैसे होते हैं, लेकिन थोड़े से बल्की होते हैं। बल्की क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें डिटैचेबल लेंसेज आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और ये यूजुअली क्रिमिनल्स को वार्न करने के लिए होते हैं, क्योंकि इनके बल्कि साइज की वजह से ये दूर से ही दिख जाते हैं। तो अगर किसी की ऐसी नेगेटिव इंटेंशन है कुछ हार्म करने की या कुछ गलत करने की, तो उन्हें क्लियरली पता चल जाता है यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज हैं, तो एक तरीके से उनको वार्न करने के लिए इनका यूज किया जाता है। लास्ट टाइप के जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं वो होते हैं पीटीजी कैमराज। पीटीजी की फुल फॉर्म होती है पैन, टिल्ट और जूम। इस टाइप के कैमरास का जो यूज ज्यादातर किया जाता है वो लाइव मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। तो अगर कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड बैठ के लाइव मॉनिटरिंग देख रहे हैं, तो यहां पर जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, वो इसको पैन कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं, अप और डाउन मूव कर सकते हैं, और जूम इन और जूम आउट करके इजिली चेकआउट कर सकते हैं। तो जो लार्ज रिटेल स्टोर्स होते हैं, मान लीजिए आपका शोरूम है जहां पर काफी सारे सेल्समैन है, काफी कस्टमर्स आते रहते हैं, या फिर कोई बड़ा बिजनेस प्रीमिसेस है आपका, तो वहां पर आप इस टाइप के कैमरास का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड बैठ के क्लियरली देख सकते हैं अगर कोई कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थे अलग अलग टाइप के सीसीटीवी कैमराज जो मार्केट में अवेलेबल हैं। इनमें भी आपको काफी सारी वैरायटी मिल जाएंगी, डे कैमराज मिल जाएंगे, डे एंड नाइट कैमराज मिल जाएंगे जो अंधेरे में भी वीडियो कैप्चर करते हैं, उसके बाद इंफ्रारेड कैमराज आते हैं जो कंप्लीट एकदम डार्क अंधेरा होता है जहां पर इतनी सी भी रोशनी नहीं है वहां पर भी वो क्लियर वीडियो कैप्चर करते हैं। इसके बाद फिर आईपी कैमराज होते हैं जिनकी जो फीड होती है वो पूरे इंटरनेट पर लाइव आप पूरे ग्लोब में कहीं से भी देख सकते हैं। अब जबकि आपको टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरास के बारे में पता चल गया है, तो चलिए आपको कुछ सीसीटीवी कैमरा खरीदते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कंसीडर करने चाहिए वो आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर वन जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि वायर्ड कैमरा लेना है या फिर वायरलेस कैमरा। तो सीसीटीवी कैमरा के जो टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें आपको वायर्ड कैमरास भी मिलेंगे जिसमें एक वायर होता है पूरा, वहां से वो वायर निकल रहा होगा और आपकी कोई हार्ड ड्राइव अलग से रखी होगी उसके साथ वो कनेक्टेड होगा, तो जो भी कैमरा कैप्चर कर रहा है वो सारा डेटा पूरी वीडियो हार्ड ड्राइव में कैप्चर होती रहेगी। इसमें वायरलेस कैमरास भी होते हैं, वायरलेस कैमरास थोड़े महंगे आपको पड़ेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी होती है, वायर की ज़्यादा टेंशन आपको नहीं करनी होती, लेकिन वहाँ पर आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू वो सर्वर पे या जहाँ पर भी आप पूरी वीडियो फीड को स्टोर करना चाह रहे हैं वहाँ पर वो स्टोर करेंगे। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है क्वांटिटी। अब या तो आपको एक कैमरा की रिक्वायरमेंट हो सकती है या फिर मल्टीपल कैमरास की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ज्यादातर लोग आपको यह कहेंगे कि सीसीटीवी कैमरास आप ऑनलाइन मत खरीदिए, ऑफलाइन खरीदिए घर के आसपास से, क्योंकि वहां पर आपको इंस्टॉलेशन भी मिलेगी और अगर कल को कोई इशू होता है तो घर के पास की शॉप है तो इजीली आके आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको एक यूनिट खरीदनी है, दो यूनिट खरीदनी है, तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा कैमरा का सेटअप लगाना है, तीन चार कैमरास खरीदने हैं, तो आप ऑफलाइन प्रेफर कीजिए, क्योंकि इसके साथ दूसरी काफी चीजें भी आपको खरीदनी पड़ेंगी, फिर हार्ड ड्राइव आपको खरीदनी पड़ेगी, आपको इसके साथ पावर सप्लाई खरीदनी पड़ेगी,
पड़ेंगी, काफी सारी चीजें आ जाती हैं और इंस्टॉलेशन सर्विस भी आपको चाहिए होगी, तो फिर आप ऑफलाइन प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कैमरा रेंज, यानी कि आपका कैमरा कितनी दूर तक की वीडियो कैप्चर कर सकता है। जो आउटसाइड वाले कैमराज होते हैं उनमें ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितनी ज्यादा दूर तक की वो वीडियो कैप्चर करते हैं उतना आपके लिए हेल्पफुल होता है। इसमें कोशिश कीजिए कम से कम 20 से 25 मीटर की रेंज वाला कैमरा आपको मिले, जो कि मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। अगर इससे भी ज्यादा रेंज के कैमरा आप लेते हैं तो वो और भी बढ़िया बात है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है वीडियो क्वालिटी। आपको पता है कैमरा की कैप्चर करने की एक रेजोल्यूशन होती है, जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन वाला लेंगे उससे फायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी वीडियो फुटेज आपको क्लियर मिलेगी, आप फेस से या इंसान की मूवमेंट से इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में 720 पिक्सल से ये शुरू हो जाते हैं, 720 पिक्सल्स, 1080 पिक्सल्स, फिर HD क्वालिटी आती है, 4K क्वालिटी आती है। जितना ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का आप लेंगे उतना ज्यादा बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्यादा क्वालिटी का जो कैमरा होता है, ज्यादा वीडियो रेजोल्यूशन का जो कैमरा होता है, वो स्टोरेज भी उतनी ज्यादा ही लेता है। तो अपने हिसाब से देखिए, अगर आपका 720 पिक्सल्स में काम चल रहा है तो वो भी सही है आपके लिए, अगर आपको 4K रेजोल्यूशन वाला कैमरा चाहिए तो फिर आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है मोशन एंड ऑडियो सेंसर अलर्ट। तो CCTV कैमरास के अंदर आपको ये फीचर मिलेंगे कि जहां पर वो यूजुअली जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको पॉज कर देते हैं अगर काफी टाइम तक कोई मोशन नहीं होता, और जैसे ही कोई मोशन होता है, उनमें सेंसर लगा होता है, तो जैसे ही कोई मोशन होता है या फिर कोई आवाज होती है तो उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। प्लस अगर अलर्ट उसका भेजना है तो आपके फोन में ऐप डली होगी उस CCTV कैमरास की, तो ऐप के थ्रू आपके फोन में भी अलर्ट आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है ऑडियो रिकॉर्डिंग। आपने भी काफी बार ऐसी वीडियो फुटेज देखी होगी जहां पर आपको लगता होगा कि अगर इसमें ऑडियो होती तो सिनेरियो ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाता या फिर वो एविडेंस का अच्छे से काम करती है, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग का फीचर आपको इसमें मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान में रखना है वो है टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आपको कैमरा के अंदर माइक भी देखने को मिलेगा और स्पीकर भी देखने को मिलेगा। माइक से ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है और स्पीकर के थ्रू आप कैमरा में कुछ भी बोल सकते हैं, लाइव आप बोल सकते हैं। अगर वहां पर कोई इंट्रूडर है, कोई भी कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो कैमरा के स्पीकर से आप क्लियरली बोल के वो बता सकते हैं। फोन में आपके जो ऐप है उसके थ्रू आप इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। ऐप की बात कर रहे हैं तो ये नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ऐप कनेक्टिविटी। जो भी आप CCTV कैमरा ले रहे हैं उसकी ऐप कनेक्टिविटी के बारे में पता कीजिए, क्या क्या फीचर्स आपको ऐप में मिल रहे हैं वो भी देखिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो बेसिक फीचर्स होते हैं अगर वो आपको ऐप में मिल जाते हैं तो आपका जो CCTV कैमरा है उसको यूज करने का तरीका उतना ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है स्टोरेज। आपका CCTV कैमरा जो वीडियो फुटेज कैप्चर कर रहा है उसको वो कहाँ स्टोर करेगा, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। कैमरा के ऊपर ही आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें भी वीडियो स्टोर हो सकती है। इसके अलावा हार्ड ड्राइव भी आप अलग से कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी वीडियो स्टोर हो सकती है, और ऑनलाइन सर्वर के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं आप, या लाइव वीडियो आपकी सर्वर के ऊपर भी स्टोर हो सकती है। लेकिन वो जो सर्वर का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होती है वो कंपनी की तरफ से काफी एक्सपेंसिव आपको पड़ती है, लेकिन वो भी एक ऑप्शन है। तो स्टोरेज के बारे में पता कीजिए कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किस टाइप की स्टोरेज आपको मिल रही है, और ऑफलाइन में मिल रही है तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है इनबिल्ट अलार्म सिस्टम। तो जो भी आप कैमरा खरीद रहे हैं, काफी बार ऐसा होता है कि आप घर से बाहर गए हुए हैं और कैमरा आपका स्टैंड बाई मोड पे है, कोई अगर मूवमेंट होती है, कोई इंट्रूडर है, कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो कैमरा उसको कैप्चर तो करेगा ही, आपको अलर्ट भी भेज देगा, लेकिन आप चाहते हैं कि कैमरा कुछ ऐसा करे जिससे वो इंट्रूडर भाग जाए। तो ऐसे में कैमरा के अंदर अलार्म सिस्टम होता है जिसमें कैमरा के स्पीकर से आवाज निकलने लगती है, जिससे कि इंट्रूडर जो होता है वो वहां से डर के भाग जाता है। तो ये काफी अच्छा फीचर है, अगर ये आपको मिलता है तो ये और भी बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है वारंटी। CCTV कैमरास के ऊपर आपको कम से कम 1 साल की वारंटी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ मॉडल्स के ऊपर आपको 2 साल की वारंटी भी मिल जाएगी। तो अपनी रिसर्च थोड़ी सी करिएगा, किसी भी ब्रांड का आप CCTV कैमरा ले रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वारंटी लेने की कोशिश कीजिए। लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है इंस्टॉलेशन चार्जेस। CCTV कैमरा का मैंने आपको बताया, एक यूनिट भी आप खरीद सकते हैं, 2 यूनिट भी खरीद सकते हैं, तो उसमें जो इंस्टॉलेशन है वो आप खुद भी कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होती है। काफी मॉडल्स में आपको मैग्नेटिक और टेप वाली इंस्टॉलेशन भी देखने को मिल जाती है, जिसमें CCTV कैमरा का जो बेस है वो आप टेप की मदद से दीवार पर या सीलिंग पर लगा सकते हैं, और फिर मैग्नेटिक एक उसमें आपको कनेक्शन मिलता है जिससे कि कैमरा मैग्नेट के थ्रू उस बेस के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इंस्टॉलेशन करवाने की सोचते हैं तो उसकी कॉस्ट अलग से पड़ती है। ऑनलाइन आप खरीद रहे हैं और बाहर से आप इंस्टॉलेशन कराएंगे तो वहां भी आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। ऑफलाइन अगर आप खरीद रहे हैं तो जिससे भी खरीद रहे हैं एक बार उनसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट का भी पता कर लीजिएगा। अब जबकि आपको ये सारे पॉइंट्स पता चल गए हैं और आप खुद एक CCTV कैमरा एक्सपर्ट बन चुके हैं, तो चलिए कुछ मॉडल्स आपको दिखाता हूं जो मार्केट में अवेलेबल है। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं बेस्ट इंडोर CCTV कैमरा फॉर होम यूज।
तो होम के अलावा आप ऑफिस, शॉप, कहीं पर भी अगर इंडोर यूज के लिए सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं तो इस वाले मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। टीपी लिंक की तरफ से ये कैमरा है, मॉडल नंबर है टेपो C200, स्मार्ट कैमरा है ये। इसका जो प्राइस है वो 2300 से 2500 रुपए के आसपास आपको पड़ेगा, सिंगल यूनिट है ये। इसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल जाता है जिसमें 1080 पिक्सल की फुल HD रिकॉर्डिंग होती है। इसमें दूसरे मॉडल्स भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पैन और टिल्ट का ऑप्शन मिलता है जिसमें 360 डिग्री ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है और 114 डिग्री वर्टिकली आप इसको मूव करा सकते हैं। नाइट विजन इसमें आप कैप्चर कर सकते हैं इजीली, अप टू 30 फीट तक का ये नाइट विजन इजीली कैप्चर कर सकता है। लाइव व्यू इसमें आप देख सकते हैं ऐप के थ्रू। ऐप की बात कर रहे हैं तो इसमें टैपो ऐप है जिसके थ्रू आपका इस कैमरा के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता है। आप लाइव व्यू देख सकते हैं, प्लेबैक कर सकते हैं, क्लिप्स को सेव कर सकते हैं और ऐप के अंदर ही सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मोशन डिटेक्शन और नोटिफिकेशन फीचर इसमें आपको मिल जाता है, कोई भी इंट्रूडर आ रहा है तो ये मोशन को डिटेक्ट कर लेगा और ऐप के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें साउंड एंड लाइट अलार्म भी आपको मिल जाता है, तो जो भी इंट्रूडर आया उसको डराने के लिए लाइट भी जलती है सीसीटीवी कैमरा में और आवाज भी निकलती है इसके स्पीकर के थ्रू। स्पीकर की हम बात करें तो इसमें 2-way ऑडियो सिस्टम है जिसमें इसके अंदर इनबिल्ट माइक्रोफोन भी और स्पीकर भी है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड लगाना पड़ेगा जो कि इसके साथ नहीं मिलेगा, अलग से आपको परचेज करके लगाना पड़ेगा, और अप टू 128 GB तक का माइक्रो SD कार्ड आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है 16 डेज की वीडियो फुटेज उस माइक्रो SD कार्ड पर सेव होती रहेगी और जैसे ही वो 16 डेज कंप्लीट होते हैं तो फिर वो शुरू से ओवरराइट करना शुरू कर देता है सेम माइक्रो SD कार्ड को। अब क्योंकि ये स्मार्ट कैमरा है तो आप वॉइस के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इसको अपने Alexa डिवाइस या फिर Google डिवाइस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और वॉइस के थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये कैमरा काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडोर कैमरा कैटेगरी में। Amazon पर लोगों ने इसको 4.2 स्टार दिया आउट ऑफ 5 स्टार और कितने लोगों ने दिए, 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने ये रेटिंग इस कैमरा को दी है, यानी कि काफी लोग इस कैमरा के फैन हैं, इस कैमरा को यूज कर रहे हैं, उनको ये कैमरा पसंद आ रहा है और फिर स्टार रेटिंग भी उन्होंने अच्छी दी है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है बेस्ट आउटडोर सीसीटीवी कैमरा, ये भी अगेन टीपी लिंक ब्रांड की तरफ से। इसका जो मॉडल नेम है वो है टेपो C310 स्मार्ट कैमरा और ये नंबर 1 बेस्ट सेलर है बुलेट कैमरास कैटेगरी में Amazon के ऊपर। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि बुलेट कैमरास थोड़े से महंगे आते हैं, तो 3700 से 4000 के आसपास इसका प्राइस आपको पड़ेगा। 3 मेगापिक्सल का कैमरा है ये जिसमें 1296 पिक्सल की अल्ट्रा HD रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग दोनों ही टाइप के कनेक्शन आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पावर सप्लाई है वो वाली लाइन तो इसके साथ कनेक्टेड रहेगी, लेकिन वायरलेसली ये आप किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी जो वीडियो फुटेज है वो वायरलेसली आप कहीं भी स्टोर करवा सकते हैं। नाइट विजन इसमें आपको मिल जाता है अप टू 98 फीट। तो आपने देखा जो पिछले वाला था वो इंडोर कैमरा था, उसमें जो नाइट विजन थी वो 30 फीट के आसपास थी, इसमें आपको 100 फीट के आसपास की नाइट विजन मिल जाती है। IP66 वेदर प्रूफ बॉडी है इसकी, यानी कि ये डस्ट रेजिस्टेंट भी है और वाटर रेजिस्टेंट भी है। लाइव व्यू आप इसमें देख सकते हैं अपनी ऐप के थ्रू, टैपो ऐप आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसके ऊपर आपका कंप्लीट कंट्रोल है। मोशन डिटेक्शन ये कैप्चर करता है, नोटिफिकेशन आपके फोन पर भेजेगा, साउंड एंड लाइट अलार्म इसमें भी आपको मिल जाएंगे, 2-way ऑडियो सिस्टम इसमें भी है, बिल्ट इन माइक्रोफोन स्पीकर आपको मिल जाएगा और इस पर भी आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं अप टू 128 GB का। वॉइस कंट्रोल्ड कैमरा है ये भी, Alexa और Google डिवाइस के साथ आपको पेयर अप करना पड़ेगा और फिर वॉइस के थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस वाले सीसीटीवी कैमरा को भी लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, Amazon पे इसकी स्टार रेटिंग है 4.2 आउट ऑफ 5 और लगभग 16,000 से ज्यादा लोगों ने स्टार रेटिंग इस मॉडल को दी है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है बेस्ट सर्वेलेंस कैमरा, कैमले ब्रांड की तरफ से वायरलेस PTZ सर्वेलेंस कैमरा है ये। PTZ का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था पैन, टिल्ट और जूम, और लाइव मॉनिटरिंग के लिए इन कैमरा का यूज किया जाता है। इसका जो प्राइस है वो 1800 से 2000 रुपए के आसपास आपको पड़ेगा। 12 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें जिससे आप 1080 पिक्सल की फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वायरलेस कैमरा है ये, वायरलेसली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और जो वीडियो फुटेज है वो सारी क्लाउड सर्वर पर आप स्टोर करवा सकते हैं। पैन और टिल्ट ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं, 355 डिग्री हॉरिजॉन्टली ये मूव कर सकता है और 90 डिग्री वर्टिकली आप इसको मूव करा सकते हैं। इसमें आपको इंफ्रारेड नाइट विजन मिल जाती है, इंफ्रारेड मैंने आपको बताया था अगर कंप्लीट डार्कनेस है, बिल्कुल अंधेरा है तो भी वहां पर आपको क्लियर फुटेज मिलेगी, अप टू 30 फीट तक की आपको इंफ्रारेड नाइट विजन फुटेज मिल जाएगी। IP66 वेदर प्रूफ कैमरा है ये, इसका मतलब आउटसाइड यूज के लिए कंप्लीटली फाइन है। मोशन डिटेक्शन और नोटिफिकेशन ऑप्शन इसमें भी आपको मिल जाएंगे, 2-way ऑडियो सिस्टम इसके अंदर भी है
और इसमें भी आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं अप टू 128 GB। ये कैमरा कोई ऐसा खास नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपको अलग अलग टाइप के कैमरा दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में डाला है। Amazon पर लगभग 200 से ज्यादा लोगों ने 3.3 स्टार रेटिंग इस कैमरा को दिया आउट ऑफ 5 स्टार, जो कि ज्यादा खास नहीं है। इसका मतलब लोगों को ये कैमरा इतना पसंद नहीं आ रहा है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको इसलिए दिखाया था क्योंकि मैं आपको अलग अलग टाइप के कैमरास दिखाना चाह रहा था। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरा कॉम्बो किट। सीपी प्लस की तरफ से 4 कैमरा कॉम्बो किट है ये, जिसका प्राइस है 11,000 से 11,500 रुपए के आसपास आपको ये पड़ेगा, जिसमें आपको 3 बुलेट कैमरास मिल जाते हैं प्लस एक डोम कैमरा मिल जाएगा। तो अगर आप काफी सारे कैमरास लेना चाहते हैं अपने यूज के लिए तो आप कॉम्बो किट प्रिफर कर सकते हैं। इसमें 3 बुलेट कैमरास और एक डोम कैमरा मिल रहा है। इसमें अलग अलग वेरिएशन आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे बुलेट कैमरास चाहता हूं या सारे डोम कैमरास चाहता हूं, या क्वांटिटी कम ज्यादा करना चाहते हैं, 2-3 कैमरास चाहते हैं या फिर 6-7 कैमरास चाहते हैं, तो अलग अलग टाइप की कॉम्बो किट आपको मिल जाएंगी, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके साथ आपको 1 TB की हार्ड ड्राइव भी मिल जाएगी, 4 चैनल की पावर सप्लाई मिलेगी, 90 मीटर की केबल इसमें आपको मिलेगी, BNC और DC कनेक्टर्स इसमें आपको मिलेंगे और ऑडियो माइक आपको मिलेगा। तो ये बन जाती है कंप्लीट किट। इसके जो कैमरास हैं वो 2.4 मेगापिक्सल के 1080 पिक्सल फुल HD रिकॉर्डिंग करते हैं। पैन और टिल्ट ऑप्शन उसमें आपको मिल जाएगा, नाइट विजन कैमराज है, लाइव व्यू आप चेकआउट कर सकते हैं, बाकी सारे फीचर आपको मिल जाएंगे, मोशन डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन, साउंड एंड लाइट अलार्म, 2-way ऑडियो और 2 साल की वारंटी आपको इन सबके ऊपर मिलेगी। Amazon पर इसकी जो रेटिंग है वो है 3.4 आउट ऑफ 5, जो कि ज्यादा खास नहीं है, और लगभग 300 से ज्यादा लोगों ने ये रेटिंग इस कॉम्बो किट को दी है। तो मैंने आपको वीडियो में ये इसलिए दिखाई है क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था मार्केट में आपको कॉम्बो किट भी मिल जाती है जिसमें काफी सारे कैमराज इंक्लूड होते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप कॉम्बो किट खरीदने की सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली ऑफलाइन ट्राई कीजिए, वहां पर आपको जो आपके घर के आसपास शॉप है वहां पर आपको ऑप्शंस काफी बढ़िया मिलेंगे। लास्ट में आपको एक और कैमरा दिखा देता हूं, बेस्ट बैटरी CCTV कैमरा। तो इसके नाम से आपको पता चल गया होगा ये बैटरी पावर्ड CCTV कैमरा है, हेलोनिक्स ब्रांड की तरफ से, हेलोनिक्स सिक्योर कैम कैमरा विद इनबिल्ट बैटरी। इसकी जो प्राइस है वो है 4200 से 4600 के आसपास आपको पड़ेगा। सिंगल यूनिट है ये। इसका जो कैमरा है वो 3 मेगापिक्सल का है, जिसमें 3K प्रो HD रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। वाईफाई स्मार्ट कैमरा है। इसकी जो बैटरी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, 30 डेज की इनबिल्ट बैटरी बैकअप इसमें आपको मिलता है अगर वो कैमरा स्टैंड बाई मोड पे है। अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा तो 30 डेज का बैटरी बैकअप आपको मिलेगा, लेकिन अगर वो कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है तो 24 घंटे का बैटरी बैकअप ही आपको मिलेगा। तो ये काफी बड़ा ड्रॉबैक है। मैंने इसको लिस्ट में इसलिए डाला क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था बैटरी पावर्ड CCTV कैमराज भी मार्केट में अवेलेबल है। इसमें कलर्ड नाइट विजन आपको मिल जाती है, तो ये काफी एक प्लस पॉइंट इसमें हो जाता है कि नाइट विजन इसकी काफी क्लियर आपको देखने को मिलती है चाहे कितना भी अंधेरा हो। मैग्नेटिक अटैचमेंट इंस्टॉलेशन इसमें आपको मिलती है, ना आपको ड्रिल करना है ना कहीं कुछ करना है। जो इसका बेस है उसके पीछे टेप लगी हुई है 3M टेप, उसको आप सीलिंग पे लगा सकते हैं, वॉल पे लगा सकते हैं और फिर मैग्नेटिक अटैचमेंट के थ्रू कैमरा उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे फीचर्स इसमें भी आपको मिल जाते हैं, लाइव व्यू मिल जाएगा, हेलोनिक्स सिक्योर कैम मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी उसके थ्रू आप उसको यूज कर सकते हैं, मोशन डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन ऑप्शन आपको मिल जाएगा, 2-way ऑडियो इसमें भी देखने को मिल जाएगी और माइक्रो SD कार्ड स्टोरेज इसमें भी आपको मिल जाएगी। 2 साल की वारंटी इस कैमरा के ऊपर आपको मिल रही है। ये कैमरा इतना कोई खास मुझे लगा नहीं और लोगों को भी इतना खास लग नहीं रहा है। Amazon पर इसकी जो स्टार रेटिंग है वो है 3.3 आउट ऑफ 5 और लगभग 50 लोगों ने ये स्टार रेटिंग इस कैमरा को दी है। तो अगर आप बैटरी पावर्ड CCTV कैमरास देख रहे हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया, बैटरी लाइफ इसकी काफी कम है, रिकॉर्डिंग मोड में अगर ये रहता है तो 24 घंटे की भी बैटरी बैकअप लाइफ इसकी नहीं है। तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो CCTV कैमरास के ऊपर, काफी डिटेल्ड वीडियो थी ये, काफी सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर करे हैं, टाइप्स ऑफ CCTV कैमरास को कवर किया है, कैमरा खरीदते समय जो जो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं वो कवर करे हैं, और मार्केट में अवेलेबल कुछ कैमरा मॉडल्स भी मैंने आपको दिखाए विद देयर प्राइस एंड फीचर्स एंड कस्टमर फीडबैक। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है घर पर यूज़ होने वाले अप्लायंसेस के ऊपर, सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोज़ बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।